लोकसभा चुनाव में अपना अपना मत देने को लेकर हर तरफ उत्साह है, खासकर युवा मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। ये लोकतंत्र का इतिहास गढ़ने में अपनी अहम भूमिका निभाने में लगे हुए हैं। इसके साथ ही महिलाओं और दिव्यांगजनों की सहभागिता सुनिश्चित करने को लेकर निर्वाचन आयोग ने 64 मतदान केंद्रों की कमान महिला, दिव्यांग और युवा मतदान कर्मियों को सौंप दी है। यहाँ मतदान क्रमांक दल 1, 2, 3, 4 सभी इस वर्ग के अधिकारी कर्मचारी रहेंगे। बता दें कि जिले के 52 मतदान केंद्र महिला कर्मियों, 2 मतदान केंद्र दिव्यांग कर्मियों और 10 मतदान केंद्र युवा कर्मी संचालित करेंगे। गरियाबंद से फारूक मेमन की रिपोर्ट। 52 बूथ जो है महिला प्रबंधित रहेंगे और इसके अतिरिक्त 2 बूथ जो है दिव्यांग जो हमारे कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा प्रबंधित रहेंगे और 10 बूथ जो है युवा जो वर्ग के हमारे कर्मचारी है जो अंडर 30 या 32 साल के एवरेज उम्र के जो हमारे कर्मचारी हैं उनके द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। तो आज जो ट्रेनिंग जो रखी गई थी मूल रूप से महिला प्रबंधित, युवा कर्मचारी द्वारा प्रबंधित और दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा जो प्रबंधित होंगे उस बूथ को लेकर ट्रेनिंग रखी गई थी। ये अलग कैटेगरी बन रही है, क्या कुछ फायदे नजर आते हैं इससे? डेमोक्रेसी का जो मूल है वो उसी में छुपा हुआ है, तो प्रयास वही है जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय का कि सबके सब वर्ग जो है मोटिवेट हो, सब अपना हाथ बटाए, इसके दृष्टिकोण से योजना तैयार की गई।